आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय ई। ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो इट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले क्या है, द स्पेस अराउंड बाय द चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट डाउन। मींस दैट एक चार्ज पार्टिकल होगा और वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक स्पेस बनाएगा। जिस तरह से ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज कहते हैं इसे हम। ये हमारे पास सोर्स चार्ज हो गया है और इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक स्पेस बना लिया है। स्पेस, द स्पेस अराउंड बाय द चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो स्पेस घेरा गया है। एंड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट डाउन, अगर उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो इट कैन ऑल्सो सेज दैट इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि कोई एनोदर चार्ज पार्टिकल हमने किसी पॉइंट पी पर, या एनोदर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है। इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल हमने क्या बोल दिया है, टेस्ट चार्ज बोल दिया। ये हमारे पास हो गया टेस्ट चार्ज। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर किसी भी तरह की अगर कोई फोर्स अप्लाई कर देता है तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस चार्ज पार्टिकल तक हो सकता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो वहां तक रिप्रेजेंट नहीं की गई है। तो हम बात करते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास सेंटर में कोई चार्ज पार्टिकल था और सेंटर में चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स हो गया हमारे पास एफ। एफ हमारे पास फोर्स है तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस सेटअप हो गया है, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई है आर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू जो फोर्स होता है हमारे पास में वो होता है 1/4 pi epsilon naught। एक चार्ज पार्टिकल हो गया हमारे पास Q, एक अनदर चार्ज पार्टिकल हो गया Q नॉट और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गया हमारे पास में R स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स इस चार्ज पार्टिकल, मींस दैट जो सोर्स चार्ज पार्टिकल वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो फोर्स हमारे पास हो गई। तो हम बात करते हैं कि इस पॉइंट P पर, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू होगा F अपॉन में उस चार्ज, जिस चार्ज पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाई वो फोर्स आ गया हमारे पास Q नॉट हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहेगा, फोर्स हमारे पास हो गया है 1/4 pi epsilon naught Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इनटू में हमारे पास हो जाएगा Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया है तो इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया है 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन में R स्क्वायर। तो बचा पार्ट ही हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन में R स्क्वायर। तो हमने जो स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन चार्ज भी हो सकता है, इस फोर्स अपॉन चार्ज से हमने कैलकुलेशन किया है। हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं इसे। तो E इक्वल टू हो गया F अपॉन Q और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी, फोर्स का यूनिट हो गया हमारे पास न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलम, तो हमारे पास ये यूनिट हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन कूलम इनवर्स। बचा पार्टी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एनोदर फॉर्मूला पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास वोल्ट, लेंथ यूनिट होगी मीटर तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो डायमेंशंस हमारे पास जो होगा वो डायमेंशंस इक्वल हो जाएगा E इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशंस हो जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस टू और चार्ज की जो डायमेंशंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास at, तो ये रिप्रेजेंट होगा m l, ये जब t ऊपर जाएगा तो ये जाएगा t माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 1। तो ये बचा पार्टी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस हो गया। अगर मैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास e वेक्टर है वो इक्वल निकला है फोर्स अपॉन में चार्ज के। मींस दैट फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या आया कि जो हमारे पास फोर्स था वो बराबर हो जाएगा Q नॉट इनटू में E वेक्टर। मींस दैट
कि जो फोर्स था हमारे पास में वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगी और हमारे पास में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड, मतलब जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाएगी वहां तक आप लोग इस पर क्या लगा सकते हो, फोर्स अप्लाई कर सकते हो। बच्चा पार्टी एक और यहाँ पे बात की गई है हमारे पास में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r², मींस दैट यहाँ पे ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो r डिस्टेंस है, मींस दैट अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और अगर वो चार्ज पार्टिकल इस r डिस्टेंस तक सेपरेटेड है, इस तरह से फैला हुआ है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो r डिस्टेंस तक ही होगा, ना कि उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो चार्ज जो उसका इफेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस तक है। तो अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और वो कितने डिस्टेंस तक अपना इफेक्ट, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। बच्चा पार्टी में फिर बात इस बात को कह रहा हूं कि जितने कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आर यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस चार्ज पार्टिकल का जो इफेक्ट है, यानी कि पी पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, वो कितना डिस्टेंस पे कर रहे हो, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।